हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके बारे में कौन सोच रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके बारे में कौन सोच रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। और गाइस, मैंने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। ओके, ये देखो टॉपिक क्या है, आपके बारे में कौन सोच रहे हैं। बेटर स्वीट फॉरगिवनेस, प्रेयर, फेथ, बैलेंस। ओके, तो गाइस यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी कि हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जो कोई भी हो सकता है। ये देखो, कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं, या आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और अभी नो कांटेक्ट के सिचुएशन में है, ठीक है, या कोई भी वो पर्सन आपकी लाइफ का जिनसे अभी आपकी बातचीत नहीं हो रही है, आप नो कांटेक्ट में हो। कोई भी रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके भाई, पिता, ठीक है ना, कोई भी। तो आपकी लाइफ के वो पर्सन हैं जो आपको मिस कर रहे हैं, जिनको घमंड बहुत है। देखो यहाँ पर जो क्लियर बात है, ये माफ़ करना, मैं वही बात बताऊँगी ताकि आपको पता चले ना, ठीक है, कि ये कौन है। इनको ना घमंड बहुत है, मतलब ये अब खुद को वो शो करने की कोशिश करते हैं जो ये है नहीं, ठीक है ना। मतलब अपनी पर्सनैलिटी लोगों के सामने वो बताने की कोशिश करते हैं जो ये नहीं है। ये क्या करूँ गाइस, देखो बताना तो पड़ेगा, इनको डर बहुत लगता है। ये जो भी पर्सन है ना आपके लाइफ में, लाइफ के, इनको डर बहुत लगता है, ये बहुत डरते हैं। लेकिन इनके साथ कंडीशन क्या है कि ये अगर इनको कुछ कहना होता है ना तो ये घर में बोल देंगे, या अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के सामने बोल देंगे अकड़ कर। लेकिन जब कहीं बाहर ऐसी सिचुएशन बन जाए ना तो ये इतना डरते हैं, वहाँ बाहर कुछ नहीं बोलते, चुप रहते हैं। सुन लेंगे, बाहर का सुन लेंगे लेकिन आपका नहीं सुनेंगे, आपको सुना देंगे चाहे आपकी गलती हो या ना हो, ठीक है। और एक और मैं बात कहना चाहूँगी कि इनको ईगो बहुत है गाइस, बहुत। ये हमेशा आपने सुना होगा कि ये मेरा है या ये मैंने किया, मतलब एक बहुत इस तरीके का इनका नेचर है। ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अब मिस करने का सेंस यही नहीं है कि अच्छे वे में जो है मिस किया जाए, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, या ये इनका जो भी नेचर है ना उनको बदलने के लिए आपने बहुत कोशिशें की है लेकिन फिर भी इनका नेचर नहीं बदला गाइस। और कहीं ना कहीं आपको गलत बता दिया गया कि आप इनको बड़ा रोक टोक करते हो, ठीक है ना। तो अब भी परिस्थिति ये है कि आपके ना तो उनसे बातचीत होती है ना उनके आपसे बातचीत होती है। एक तरीके से कहते हैं ना कि एक आप दोनों में एक खाई जो कहते हैं ना वो बनी हुई है। चीज़ें आपकी तरफ से पूरी तरीके से कह सकते हैं ख़त्म है। क्यों? कि यहाँ देखो सिचुएशन एकदम क्लियर है कि आप में घमंड नहीं है, पहला तो ये सबसे अच्छी बात। अगर कहीं कोई भी रिश्ता हो आपकी लाइफ का जहाँ अगर बैलेंस चाहिए होता है ना तो आपको किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता है। क्यों? कि अगर आपकी चाहे गलती हो या ना हो लेकिन फिर भी अगर रिश्ता निभाना है और उसको सुधारना है ना तो आप अपनी तरफ से एक कदम पहले रख देते हो, चाहे अगर आपके साथ किसी ने बुरा भी किया हो,
तब भी आपका ईगो कहते हैं ना, उस समय आड़े नहीं आता। आपका कंसंट्रेशन, आपका ध्यान केवल इस बात पर रहता है कि आपको चीज़ों को रिकवर करना है, जो हो गया उसको फॉरगिव करके आप आगे बढ़ते हो। आप किसी, आपके साथ कोई भी अगर आपकी फैमिली का मेंबर, फैमिली का कह रही हूँ, बाहर का नहीं, हाँ, क्योंकि बाहर आपका रवैया अलग है। ये जो मैं बता रही हूँ आपका, ये फैमिली के लिए है। बड़े ईमानदार इंसान है जो कह सकते हैं ना, वो हो आप। तो आप क्या करते हो कि अगर आपके साथ कोई कितना भी बुरा कर ले, कितना भी बुरा कर ले, लेकिन फैमिली के कोई भी इंसान, तो आप उनको फॉरगिव करते हो कि रिश्तों में कोई बात को लेकर नहीं बैठा जाता। आपकी थिंक ये रहती है। और आप क्या करते हो कि जो भी बिगड़ा है ना, उसको वापस सुधारने की कोशिश के फटाफट सुधर जाए, ठीक है। मतलब एक कहते हैं ना, बात को लेकर नहीं बैठना, आप लेकर नहीं बैठते। लेकिन शायद कितनी भी बड़ी बात हो, लेकिन आपकी छोटी बात को भी जो है बड़ा बड़ा चढ़ा कर बताया जाता है। और ये जो वो पर्सन है जो आपको मिस कर रहे हैं, शायद ये इस वजह से मिस कर रहे हैं कि आप इनके पास बैठकर इनको कितना समझाने की कोशिश करते थे या करती थी। मतलब एक होता है ना कि कभी कोई इंसान के पीछे आप भागो तो वो आगे आगे भागते हैं। आपका प्यार उनको नहीं चाहिए होता, आप देते हो, वो फिर भी लेना नहीं चाहते प्यार। और एक हर इंसान की सहने की क्षमता होती है ना, फिर आप क्या करते हो कि रुक जाते हो कि नहीं, अब इस इंसान के पीछे नहीं दौड़ना। तो वैसे ही परिस्थिति टर्न होती है, और आपके लाइफ में ऐसी ही परिस्थिति टर्न हुई है। अब आप अपनी तरफ से कहते हैं ना, एक फुल स्टॉप लगा चुके हो अपनी तरह से, क्योंकि शायद कुछ चीज़ें ऐसी हो गई आपके साथ, या फिर इन्होंने कुछ ईगो में आकर, घमंड में आकर आपको इतना बुरा भरा बोल दिया है, जिसकी वजह से आप कुछ चीज़ें भूल नहीं सकते। शायद आपको रोना बहुत आता है अच्छे शब्दों को याद कर करके। तो मे बी ये है कि अब आपने जो अपना पैर पीछे हटा लिया ना, तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं। मैंने क्या बताया है, ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप का हो, उसका भी हो सकता है, या परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है, ठीक है। अब इनको लग रहा है, क्योंकि आपका नेचर सबको पता है कि आप कोई भी बात को पकड़ कर नहीं बैठते और चीज़ों को सुधारने की कोशिश करते हो। तो शायद इनको ऐसा लगा कि इन्होंने जो कुछ भी बोला ना आपको, या फिर जैसा भी आपको परेशान करने की या दुखी करने की कोशिश की, तो एक समय के साथ आप उसको भूल जाओगे। लेकिन ये कहते हैं ना कि आपके सहने की एकदम पीक पॉइंट थी, तो अब आपको सहन नहीं हुआ और आपने वहाँ पर फ्री कर दिया है। अब इस इंसान को ये जो भी है ना, इनको बहुत खल रहा है वो आपका शांत हो जाना, क्योंकि आप बहुत रोए हो, आपको बहुत तकलीफें पहुँची इनके शब्दों से। और अब ये परिस्थिति है कि जब हर बार आप रिकवरी करने की कोशिश करते हो ना, डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो ना, इस बार आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि आपको नहीं करनी है ये। और उनको अब फील हो रहा है कि शायद इस बार उन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया है। गिल्ट नहीं हो रहा है, गिल्ट का नहीं कह रही, हाँ, गिल्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ईगो वाले इंसान होते हैं ना, उनको गिल्ट नहीं होता, वो अपनी गलती को महसूस नहीं करते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार जो उन्होंने कहा है ना, तो हो सकता है कि अब आप, मतलब पहले वाला रवैया आपका ना रहे, ठीक है। क्योंकि ये खुद इंसान ऐसे है, मैं सच कहूँ गाइस, कि ये अपनी बाउंड्रीज सेट करना जानते हैं। ये कुछ तो जानबूझकर ऐसी चीज़ों का या ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं ताकि इनके मामले में कोई इंटरफेयर ना करे, ठीक है। और आप जैसे लोग होते हैं या हम जैसे लोग होते हैं ना, तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं, शब्दों के बाण जो होते हैं ना, उनसे दिल दुख जाता है। तो हम भी ऐसे लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहते, और एक तरीके से सही भी है गाइस, क्योंकि हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, क्यों इंटरफेयर करना, ठीक है। अब देखो इनके शब्द, ये इंसान जो है ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि इनको अब पता चल गया कि आप जो भी सिचुएशन बनी है ना, उसकी रिकवरी आप नहीं करने वाले हो। तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, आभास हो जाने वाला, एक कोई चीज़ों का ख़त्म हो जाने की बात जो होती है ना, वो इनको आभास हो गई है।
ठीक है, अब इनके मन में क्या रहा है? देखो मैंने पहले भी बताया है कि इनको गिल्ट नहीं हो रहा है, और गिल्ट तो होगा भी नहीं, जो हकीकत है मैं वो बात बताऊंगी, ठीक है। एक्सेप्ट आपने किया है कि अब चीज़ों को सुधारना नहीं है, जैसी परिस्थिति में पड़ी है उसको पड़े रहने दो, ठीक है। किसी तरह का कन्फ्यूज़न आपको नहीं है, ठीक है। बट हाँ, कभी कभी आपके मन में भी, आप भी सोचते हो वो बीते हुए पलों को जो आपने बहुत खुशी से बिताए हैं, ठीक है। अभी वो इंसान जो है, जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। देखो गाइस, ये जो वो ईगो रखने वाले इंसान है ना, उनके बारे में ये एकदम क्लियर है कि अभी उनको गिल्ट नहीं है, क्योंकि इनको आपकी कदर नहीं है, ठीक है। आपने हर तरीके से इनको समझाने की कोशिश की ना कि ऐसे गलतियाँ ना करो आप, लेकिन इन्होंने उस बात को अदर वे में लिया। उन्होंने सोचा कि आप इनकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, बट नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। आप अपने दिल और दिमाग से बहुत बैलेंस में है, और ये नहीं है इंसान। सच बताऊं गाइस, ये बिल्कुल भी इनका दिल और दिमाग बैलेंस में है ही नहीं। आपको ये कहा जा रहा है, फेथ रखो, फेथ रखो, ठीक है। अभी देखो, इनको आपकी कदर नहीं है, लेकिन आपने चीज़ें जो अपनी तरफ से ख़त्म की है ना, इसके बाद में देखो इनको आपकी कदर होगी भी, और साथ में गिल्ट भी होगा, चाहे ये कितने ही ईगो रखे पाले, अभी नहीं है इनमें। तो ये इंसान है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, और कुछ कार्ड्स देखते हैं क्या आता है, और कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। जैसे आपने इनके बारे में सोचना बंद किया है ना, जब से ये आपके बारे में सोचने लगे हैं गाइस, एप्रिशिएशन, एक्शन, जी आपको एक्शन लेने का टाइम आ गया है गाइस, केयरिंग कनेक्शन, ओके, वॉकिंग अवे। ये देखो, बताया ना मैंने कि द सन, वाओ, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, केयरिंग कनेक्शन, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, हैप्पी फैमिली, वाओ, डोर टू स्पिरिट, ओके गाइस, ठीक है जी। देखो, वॉकिंग अवे, फॉरगिवनेस और वॉकिंग अवे, ठीक है। और यहाँ पर क्या, आर्कएंजल माइकल, तो यहाँ पे एक चीज़, वही बात जो है उसके बारे में बताई गई जो मैंने पहले बताई है, कि ये जो भी सिचुएशन बनी है ना, आपको अब ना उसमें से बाहर निकल जाना है, जो आप कर भी रहे हो, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि ऐसी चीज़ें आपके, आपको मतलब अब सहन नहीं होने वाली है ना। और आप बार बार कहते हैं ना, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करो, तो कब तक करोगे, ठीक। आपकी भी अपनी लाइफ है, तो आप अपने में से एक नेगेटिविटी होते हैं ना, और एक भय और डर जो होता है ना, वो निकालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक। और आप अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हो, ठीक, तो वो हो रहा है, तो वो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। और एक मैं आपको ये कहूँगी कि कोई आपको बहुत, मतलब एक कोई पर्सन ऐसे हैं जो आपकी, या तो आपने कोई अपनी पिक्चर वगैरह पोस्ट की होगी, वो आपको बहुत देखते हैं, बहुत देखते हैं। मतलब ये इनका इंटेंशन बताऊं मैं, कि इनका आपके प्रति एक जो लगाव है ना, अटैचमेंट बहुत अच्छा है, बहुत रेस्पेक्ट भरी नज़र से आपको देखते हैं, ठीक है। मतलब ये सोचते हैं कि, मतलब जैसा इन्होंने अपनी लाइफ पार्टनर के बारे में सोचा है, ठीक है, आप बिल्कुल वैसे दिखते हो, ठीक। तो आपके लिए ख्याल, इनके विचार आपके, आपके लिए, आपको लेकर बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मतलब अगर आपकी इनसे बातचीत होती है, ये कोई आपकी फ्रेंड लिस्ट में होंगी, ठीक है, या फिर कभी कभार हाय हेलो का मैसेज आपने किया होगा, या इन्होंने किया होगा, थोड़ी बहुत बातचीत हुई है, कोई ज़्यादा बातचीत नहीं होती, मैं ये भी बता दूँ आपको। लेकिन ये आपकी परवाह बहुत करते हैं, आपका किसी और के साथ बात करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये आपके साथ
जो है एक रिलेशन चाहते हैं आपके साथ ना, एक कनेक्शन चाहते हैं, अच्छा केयरिंग कनेक्शन, कि आप भी इनकी परवाह करो, ये भी आपके परवाह करें, आप भी रोज़ाना गुड मॉर्निंग मैसेज दो, ये भी दें, अच्छी बातें हों आपके बीच में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपके बारे में बहुत सोचते हैं, और मैं ये बता दूँ कि आपकी पिक्चर्स को ये बहुत निहारते हैं, बहुत, ठीक है ना। यहाँ पर है वुमन होल्डिंग अ हार्ट, मतलब ये वो इंसान है जो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि अगर इनका बस चले ना, ठीक है, और आपकी इनसे के साथ बातचीत हो, तो ये आप अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, शायद आपको प्रपोज कर दें, ठीक है, और आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। मतलब इनके मन में आपको लेकर बहुत ख्याल है। ये कहता है ना कि आपको एक मैरिज के लिए एक इंसान होता है ना, बिल्कुल वैसे लगते हो आप इनको, बिल्कुल वैसे, मतलब आपको लेकर किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है, है ना। कि आपकी तरफ से अगर एक कदम आगे, अगर आप एक्शन लेते हो इस मामले में, कि मतलब वो आप में इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश करते हो और आप भी वापस उसका रिप्लाई दो, तो ये डेफिनेटली कुछ ही समय में आपको प्रपोज करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि फीलिंग्स है इनके मन में आपको लेकर, और बहुत प्योर फीलिंग्स है, अच्छी फीलिंग्स है, कोई बुरा नहीं सोचते आपके बारे में, ठीक है। तो ये भी है इंसान जो आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा वाला, ठीक है ना। तो ये है, कुछ और इन्फॉर्मेशन लेते हैं इनके बारे में। ओके, ओ हो सकता है इनके नाम में ये आता हो, एल, ठीक है, वन सिक्स फोर नाइन ई एम 22 V R 17 I G C और 19, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स आए हैं और कुछ लेटर्स आए हैं, तो हो सकता है कि इससे आपको समझ में आ जाए, हो सकता है कि ये लेटर्स उनके नाम में आते होंगे, ठीक है, या इनके नाम की शुरुआत इन लेटर्स से होती होगी, या ये जो भी नंबर्स आए हैं तो इनकी डेट ऑफ बर्थ या कुछ स्पेशल डेट हो सकती है आपकी लाइफ की, ठीक है। तो इनके ज़रिए आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी इनके बारे में, जो आपको लेकर सोच रहे हैं, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।